के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐप्स के बारे में बताऊंगा जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले ऐप का नाम है एलार्मी। ये ऐप आपके बहुत काम आ सकता है, जैसे कि आप सुबह लेट उठते उठ नहीं पाते, अलार्म बजने के बाद भी अलार्म बंद करके सो जाते हैं, तो ठीक है। तो इसमें पहले सबसे पहले अलार्म सेट कर लीजिए, उसके बाद आपको जाना होगा ऊपर अलार्म मेथड पे जितने बजे आप उठना चाहते हैं। उसके बाद आपको तीन चार ऑप्शंस मिलेंगे जो आपको उठने में मदद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है टेक अ पिक्चर का। तो पहले आप एक फ़ोटो ले लीजिए, जैसे आप जहाँ बेड पर सोते हैं तो उससे थोड़ी दूर पर कुछ कोई भी चीज़ हो जिसका फ़ोटो ले लीजिए। उसके बाद जब आप सुबह अलार्म बजेगा तो जब तक उस चीज़ का फ़ोटो नहीं लेंगे तब तक वो अलार्म बंद नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन है शेक, और इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको कि कितने बार आप शेक कर सकते हैं। तो 10 15 20 25 जब तक शेक नहीं करेंगे इतने बार जितने बार आपने सेट किया उसके बाद तक आपका अलार्म बंद नहीं होगा। और या आप मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ईजी हार्ड सब सिलेक्ट करके मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करिए, उसके बाद आपका अलार्म बंद होगा। तब तक तो आप उठ ही जाएंगे, फिर बार कोड स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। इस ऐप की मदद से आप हो सकता है कि आप उठ जाए या नहीं भी उठें तो आपके काम आ सकता है। तो इसको यूज करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे दूसरे ऐप का नाम है हाई ट्रांसलेट। इस ऐप की मदद से आप कोई भी लैंग्वेज कहीं भी मतलब आराम से अपना ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद इसमें एक्सेसिबिलिटी ऑन कर लीजिएगा, और इसके बाद आपको सेटिंग कर लेना है नेक्स्ट नेक्स्ट करके, फिर ऐप को ओपन करना है। उसके बाद आपको लैंग्वेज सेट करना है, जहाँ पे आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं जो जिसमें आपको अपना पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद आप कोई भी पेज खोले हुए हैं, जैसे मैंने खोला हुआ है, तो उसमें साइड में एक आइकन आ जाएगा उस ऐप का। तो उस आइकन को आपको जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा जो लैंग्वेज उस पर ले जाना है, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में जहाँ ले जाएंगे, अब मैंने हिंदी सेट किया हुआ है तो वहाँ पे हिंदी दिखा देगा। अब जहाँ ले जाएंगे ना वहीं पे दिखाएगा, ठीक है। इसको आपको कॉपी करके कहीं पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डाउनलोड करिए और इसका इस्तेमाल करिए। हमारे तीसरे ऐप का नाम है स्टेटस सेवर। तो इस स्टेटस सेवर से आप व्हाट्सएप में जो स्टेटस आते हैं, मान लीजिए आपके फ्रेंड्स ने कोई स्टेटस डाला आपको पसंद आया तो आप डाउनलोड नहीं कर पाते होंगे, तो इस ऐप की मदद से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चौथे ऐप का नाम है म्यूजिकाना। ये बहुत ही बेस्ट म्यूज़िक ऐप लगा मुझे, क्योंकि इस म्यूज़िक ऐप में आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं और अपने फोल्डर से भी गाने सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या खासियत है कि आप कोई भी गाना सुन रहे हैं उसमें आप लिरिक्स भी मिलेंगे, इसमें आपको आप लिरिक्स भी देख सकते हैं। अब जैसे मैंने ये गाना देखा, इसको प्ले किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन है लिरिक्स का, अगर आप यहाँ पे लिरिक्स पे जाएंगे तो आपको पूरी लिरिक्स दिखा देगी। मेरी नेट स्लो है इसलिए नहीं दिखा रहा। और इसमें और एक ऑप्शन है इसमें आइडेंटिफाई सॉन्ग का, अगर आप तो ये ऐप बहुत ही अच्छा लगा, आप इसको डाउनलोड करिए और इस्तेमाल करिए। आप पता लगा सकते हैं आपको कोई गाना सुन रहे हैं नहीं पता चल रहा है कौन सा गाना है, नाम नहीं पता है, तो आप इसमें ऐप की मदद से पता लगा सकते हैं। पांचवें और लास्ट ऐप का नाम है सिलेक्शन। इस ऐप की मदद से आप कितना भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो पूरा लेना पड़ता होगा, ठीक है। तो ऐसे हम जितना मर्जी अपना स्क्रीन के हिसाब से अपना उसमें कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना हमको स्क्रीनशॉट लेना है। तो